कैसे हो आप? आई होप आप लोग सब मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले कुछ अलग प्रकार की, मैं बात करने वाले हैं थोड़ा टॉपिक से हट के बात करने वाले हैं, क्योंकि आज की जो प्रॉब्लम है इस वीडियो में क्या होने वाली है कि हम लोगों के कुछ समय से मोबाइल की स्क्रीन पर ऐड आ जाता है। मतलब हम लोग कुछ भी ओपन करते हैं तो ऐड क्यों आता है? ऐड हमारे जो मोबाइल की स्क्रीन पर है, ये देखिए ऐड आ चुका है, आ सकता है, ये मैं आपको फुल गारंटी दे सकता हूँ। तो ये ऐड आ क्यों रहा, हम इसे बंद किस तरीके से कर सकते हैं? YouTube पे ऑलरेडी लोग वीडियो अपलोड कर दिए हैं, बहुत सारा व्यूज़ भी उन लोगों के में आ रहा है, लेकिन वो सही ट्रिक अभी भी नहीं बता रहे। तो आज की वीडियो में हम जो है इसके फुल डिटेल में जानने वाले हैं कि ये ऐड हमारे में आता क्यों है और इसे हम बंद किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो और भी आगे आपको देखने को मिलती रहे। तो सिंपल सा दोस्तों, आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको एक बात यहाँ गौर करना है, आपके मोबाइल स्क्रीन पे जिस भी ऐप का ऐड आता हो, सिंपल सा मेरे मंत्रा एप्लीकेशन का ऐड आता है अधिकतर, तो आपको सिंपल सा जो क्या है उस ऐप को इस तरीके से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है ऐप इन्फो का, तो सिंपल सा आपको ऐप इन्फो में क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ से क्लिक करने के बाद देखिए ट्रिक यहीं होने वाली है, इसलिए आप ज़रा ध्यान से वीडियो को देखना। ऐप इन्फो पर आने के बाद हमारे सामने यहाँ पर इसकी डिटेल्स ओपन हो जाती है। अब सिंपल सा आपको यहाँ इसके स्टोरेज वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। स्टोरेज वाले ऑप्शन में जैसे ही क्लिक करते हैं तो सिंपल सा इसको आपको पहले जो सबसे पहले आपको इसको क्लियर चेक कर देना है। क्लियर चेक करने के बाद क्लियर डाटा भी करना है, क्योंकि यदि मैं अभी करूँगा नहीं दोस्तों, क्योंकि मेरे को अभी मंथरा की वीडियो और भी बनाना है, तो मेरे को अकाउंट बनाने में काफ़ी टाइम भी लग जाएगा, इसलिए मैं क्लियर डाटा यहाँ से नहीं कर रहा। आप यदि लेकिन कर दीजिए, यदि आपके पास टाइम है तो इसको क्लियर डाटा भी कर दीजिए। करने के बाद दोस्तों आपको सिंपल सा देखिए एक ऑप्शन और दिखेगा परमिशन वाला, सिंपल सा आपको परमिशन वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने से देखिए अलाउड और नॉट अलाउड, तो आपको यहाँ पर देखिए नॉट अलाउड जहाँ लिखा हुआ है आपके सामने सभी ओपन रहेंगे, तो आपको उनको अलाउ कर देना है सिंपल सा। फिर उसके बाद आपको सिंपल सा क्या करना है, बैक आ जाना है। बैक आने के बाद जिस ऐप का भी आपके स्क्रीन पर ऐड आ रहा हो, बाय चांस कोई सा भी ऐप हो, उसको आपको सिंपल सा एक बार डिलीट कर देना है, मतलब अनइंस्टॉल कर देना है। जैसे ही अनइंस्टॉल करते हैं उसको आप प्ले स्टोर से फिर डाउनलोड कर लोगे तो आपका जो है वो ऐप से ऐड आना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये प्रॉब्लम हम बहुत दिनों से देख रहे हैं और बहुत सारी शिकायतें भी हमारे पास आती हैं कि ये मोबाइल में स्क्रीन में ऐड क्यों आ रहा है। तो ये ट्रिक आप सबसे पहले यूज कीजिए। मैंने वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं बनाई, डायरेक्ट ही आपको बता दिया कि आपको सिंपल सा करना क्या है, इसलिए आप इस ट्रिक को जो है इस्तेमाल कीजिए और अपनी जो है मोबाइल की स्क्रीन में जो भी आपका लॉक आ रहा है, ऐड आ रहा है सॉरी दोस्तों, तो वो आपका यहाँ से देखिए मेरे में भी फिर आ गया, तो आप इस तरीके से जो है उसको बंद कर सकते हैं। तो आई होप जो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता था वो आपको समझ पर आया होगा। यदि आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो और भी आगे आपको देखने को मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।